चरणमयि वयस्मा स्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवन्नरसकुञ्जं जातिराधारिपुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवेतं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिन् नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् जय श्री रूपसनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये छय गोसाई कर चरण वंदन जायत विघ्न नाश अभीष्ट पूरन वांछा कल्पतरो भ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्रीमन नित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की श्रीवास पंडित की सकल आचार चरण की अष्ट गोस्वामी वृंद की ब्रजरानी राधा रानी की श्री लाडली लाल की श्री प्रिया प्रियतम की श्री श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारणी सरकार की श्री भागवत निवास की श्री श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा भंडार है श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को विलाप पुष्पांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विलाप पुष्पांजलि श्लोक संख्या 22 पानीयं चीन वस्त्रै शशिमुख सनकै रम्य मृद्वंगजष्टै यत्नादुत सार्य मोदा दिशि दिशि विचलन नेत्र मीनांचलाया श्रेणौ रक्तं दुकूलं तद परमतुलं चारुनीलं शिरोग्रात् सर्वांगेषु प्रमोदात् पुलकित वपुषा किं मया प्रयोजनम्। शशिमुखी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद प्रिया जी के श्री मुखमंडल का वर्णन करते हैं। हे शशिमुखी हे चंद्रानने दिशि दिशि मोदात विचलन नेत्र मीना चलाया स्नान के बाद जब श्री अंग पोछने का समय आया तो प्रिया जी
मीन नेत्र वाले चंचल दृष्टि से चारों तरफ देखने लगी, कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा। मीन इव चंचलम नेत्राचलम जस्या, हे रम्य दृग्गष्टे पानीय, चारों तरफ देख रही हैं और जो श्री अंग में जल है उसको चीन वस्त्र ही सूक्ष्म वस्त्रों के द्वारा सनकई धीरे धीरे उत्सार्य श्रेणी रक्तम दुकूलम तत् अपरम अतुलम चार नीलम दुकूलम शिरोग्राद सर्वांगेषु शिरोकुमारभ्य सर्वांगेषु प्रमोदात पुलकित वपुषा हर्षात जात पुलकम वपुर जस्यात्या मया किं प्रयोज्य। लीला स्मरण में सखी मंजरियों का उत्कृष्ट सेवा है। स्नान के बाद प्रिया जी के श्री अंग को सूक्ष्म वस्त्रों के द्वारा बहुत धीरे से, कहीं प्रिया जी के अति कोमल श्री अंग में कष्ट न हो जाए इसलिए बहुत धीरे से सखी मंजरियां उस जल को पोछती और उस समय प्रिया जी का नेत्र कितना चंचल है इस पर दृष्टि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को गया कि आप मीन इव दृष्टि मीन इव चंचल नेत्रांचल, चंचल नेत्र के द्वारा इधर उधर देख रही हैं। उसी समय प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए चारों तरफ देख रही हैं श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के श्याम की उद्दीपन के लिए मंजरिया उस समय नील वस्त्र का दर्शन कराती। नील वस्त्र को देख करके प्रिया जी तद्भाव भावित हो जाती हैं, श्याम सुंदर के भाव से भावित हो जाती हैं। सबसे पहले तो उनको नीचे का वस्त्र पहनाती हैं लाल रंग का, रक्तम दुकूलम तत् लाल रंग का वस्त्र पहनाती हैं और ओढ़नी के लिए अपरम अतुलम चार नीलम दुकूलम नील वस्त्र ऊपर सिर के ऊपर सर्वांगेषु इस सुख में अर्थात इस सेवा में क्या मुझको लगाएंगी या क्या ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि प्रिया जी के श्री अंग पर नील वस्त्र में धारण कराऊंगी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इस रस का स्वादन कर रहे हैं, राधा कुंड के तट पर बैठ करके लीला स्मरण कर रहे हैं। यही भक्तों का आधार लीला स्मरण, शरीर कहीं भी रहे लेकिन मन निकुंज में रहे, जहां आपका मन है वहीं आप। यदि शरीर आपका कहीं भी हो और मन से श्रीधाम वृंदावन का वास कर रहे हैं तो वृंदावन का वास। राधा बाबा बोलते थे अपने साधकों को कि यदि वृंदावन में बैठ करके अपने मन से कलकत्ता के शेयर बाजार में घूम रहा है तो कलकत्ता में मन को नियोजित करना है। उपनिषद में लिखा गया है खजानों का भी खजाना आपका मन है, कोसा नाम अति कोसा रक्षा रक्षा रक्षा, खजानों का भी खजाना आपका मन है उसकी रक्षा करो उसकी रक्षा करो उसकी रक्षा करो। जहां आपका मन है वहीं हम जाएंगे, शरीर छूटेगा तो उस समय देखा जाता है कि आपका मन कहां। जैसे कोई फोटो खिंचाने के लिए स्टूडियो में जाता है और खूब सुंदर श्रृंगार करके गया और रेडी करते समय यदि मुंह टेढ़ा हुआ तो वैसा ही होता है, जैसा उसी समय जिस प्लग उसी वजह उसी तरह शरीर छोड़ते समय
आप हम लोगों का मन जहाँ है वहीं चले जाए, भले आप साधना किए हैं उसका फल बाद में देखा जाएगा, लेकिन उस समय मन की स्थिति नहीं है। इसीलिए वैष्णव लोग नित्य निरंतर अपने मन को किशोरी जी की लीला में हमेशा लिए, यही भक्तों का सहार, अभीष्ट यही। भक्त लोग बार बार इसी आश्रय में इसी में रहते हैं कि हमारा मन प्रिया जी के सेवा में लगे, प्रिया जी की दासता करे, उनकी सेवा करे। लेकिन यह मन है, देखिए हम लोगों के शरीर में चार अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। दुख शरीर को नहीं होता है, मन को। मन कहते हैं जो संकल्प विकल्प करता है उसको मन कहते हैं। ये चारों का अलग अलग काम है, चार है, लगता है कि ये कहीं है लेकिन सबका अलग अलग काम। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, चित्त का काम है जो भी हम पहले चिंतन किए हैं उसको उपस्थित करना, और कर्तृत्वाभिमान अहंकार है। नरक इसी को मिलता है, स्वर्ग इसी को मिलता है, खैर वैकुंठ इसको नहीं मिलता। सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ते हैं तब कारण शरीर, हम लोगों के शरीर में तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर, तीन शरीर। तो अपने मन को नियोजित करने के लिए पहले अपने इंद्रियों को लगाना, डायरेक्ट मन नहीं लगे। मन को यदि लगाना है तो अपने शरीर को वहां लगाना पड़ता है, आउट ऑफ साइड, आउट ऑफ माइंड। यदि साइड से दूर है तो माइंड से भी दूर है, इसलिए बसती स्थल है जहाँ प्रिया प्रीतम के नित्य विहार स्थली है, वहाँ वास करना, वहाँ रहना, जहाँ रहेंगे जिसका जिसके साथ रहेंगे उसका चिंतन समझ में नहीं आता है लेकिन उसका संस्कार पढ़ने लगता है। जहाँ हम रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिससे बात करते हैं, जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारे चित्त पर एक संस्कार होता है। इसीलिए इसको बड़ा सतर्क रखना पड़ता है। महात्मा लोग अपने मन को हमेशा पढ़ते हैं, सन्यासियों में जाएंगे तो रोज स्वप्न लिखते हैं, आज मैं स्वप्न क्या देखा, महात्मा लोग लिखते हैं अपना स्वप्न कि हमारा मन कहाँ है। शरीर तो अभी तो पता नहीं चलता लेकिन सोने पर पता चलता है हमारा मन कहाँ है, धन में घूम रहा है कि स्त्री में घूम रहा है कि प्रतिष्ठा में घूम रहा है कि खाने पीने में घूम रहा है, सोने पर पता चलता है। रसिक महापुरुषों को तो स्वप्न में भी प्रिया जी का दर्शन होता, भगवान का दर्शन होता, जिसका चिंतन किया जाता है उसका दर्शन होता है। स्वप्न विचार में लिखा गया नस नाड़ी में ही स्वप्न दिखता है, तो खास करके जिस पथ पर हम लोग हैं उसको सबसे अधिक कंट्रोल करना है अपने इंद्रियों। इंद्री माने पहले कर्म इंद्री, इसके बाद ज्ञान इंद्री, आगे कर्म इंद्री को लगाना है, शरीर को लगाना है। भगवान की सेवा में पहले शरीर को लगाया जाए, शरीर जब लगेगा तो ज्ञान इंद्री लगे, ये दोनों जब लगेगा तब मन लगेगा। जो बिजनेस व्यापार में रहता है उसका मन भी बिजनेस व्यापार का है, जो दुकान में बैठा है उसका मन भी हमेशा दुकान में है, जो खेती करता है उसका मन खेती में रहता है, जहाँ जो हम अपने इंद्रियों को लगाएंगे वहाँ रहता है। इसलिए साधुओं में जो पहले नया डिवोटी बनता है, भगत, नया नया भगत बनता है तो उसको दे दिया जाता है, जाओ बर्तन साफ करो, झाड़ू लगाओ, शरीर को अपने इंद्रियों को पहले सेवा में लगाओ, फिर ज्ञान इंद्रियों को सेवा में दिया जाता है, कथा श्रवण करो ये ज्ञान इंद्रियों का, नाम रटो, भगवत प्रसाद पाओ, नेत्र से ठाकुर जी का दर्शन करो, ग्रंथ पढ़ो, ज्ञान इंद्रियों को लगाते हैं। तो यदि कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों लगेगा तब मन लगे, मन स्वाभाविक लगे,
डायरेक्ट अब कोई कहता है कि तुम मानसी जप करो वो अनाड़ी व्यक्ति, ऐसे नहीं करना। आगे शास्त्र में लिखा कर पहले भैखरी नाम रटो, खूब जोर जोर से कीर्तन करो। भैखरी जब पूरा सिद्ध हो जाता है तो उपांशु जप चालू हो जाता है, और उपांशु जब सिद्ध हो जाता है तब मानसिक जप चालू। एकाएक यदि किसी को कह दे ध्यान लगाओ तो ध्यान किसका करेगा, या तो अपनी स्त्री का करेगा या बालक का करेगा या बिजनेस का करेगा, इसी का तो भगवान का तो ध्यान होगा नहीं। ध्यान लगाने के लिए पहले अपने मन इंद्रियों को लगाना है, क्योंकि हम लोग अनादि काल से उसी विषय का संयोग करते हुए आए। ऐसा बात नहीं कि एकाएक आपका मन ठाकुर जी में लगेगा। इसलिए भक्ति रसावृत सिंधु में लिखा गया है भगवान के चरण कमल में मन लगाने के लिए पहले साधन करना पड़ता। साधन करते 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 चित्त शुद्ध होता है, क्योंकि हैया माया दास करी नाना अभिलाष। हम लोग कौन है, कृष्ण दास नहीं, माया दास, रोटी दाल के दास है, खाने पीने के दास है। और चिंता क्या है, प्रिया जी की नित्य केली का स्मरण करना, जो मायातीत है, अलौकिक वस्तु। हम लोग ऐसे हैं दुष्ट कि उस अलौकिक वस्तु में भी माया बुद्धि कर लेते, वहां भी जाते, वहां भी विषय पद लेते। इसलिए अपने साधन को परफेक्ट करना है। साधन माने सबसे सुंदर साधन यही है कि खूब जोर जोर से कीर्तन, सबसे ऊंचा साधन, खूब शरीर से काम करना, खूब रगड़ करके ये साधन। होया माया दास करी नाना अभिलाष। हम लोग अभिलाष करते हैं, नित्य नूतन अभिलाष करते हैं। जैसे श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य नूतन अभिलाष कर रहे हैं प्रिया जी की सेवा का, अलौकिक सेवा, जहाँ पहुँचना मन बुद्धि का काम नहीं है, कृपा साथ देखे। और करी नाना अभिलाष तुम्हार स्मरण गेल दूर, नरोत्तम दास ठाकुर। कि हम लोग संसार में अपने मन को इतना रच बच गए हैं, इतना फंस गए हैं कि वो मन से प्रिया लाल का दिव्य लीला का स्मरण नहीं होता ही नहीं। इसीलिए जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं ये क्या चर्चा है, रागिर और भजन पथ। ये भाई आसक्ति का पथ है, ये सन्यासी उन्यासी का पथ नहीं। आसक्ति छोड़ना नहीं, आसक्ति करना है, खूब आसक्ति करना। संस्कृत में आसक्ति का अर्थ होता है आ माने असमलता, आ माने खूब अच्छा से, आसक्ति माने चिपक जाए, आसक्ति से उपर। यदि आपको आसक्ति छोड़ाना है तो आसक्ति करना पड़ेगा। हम लोगों का जीव इतना आसक्त है संसारिक वस्तु का, चर्चा करने में, खाने में, कि इसको खूब नाम रटना खूब भगवत प्रसाद। एक कान से इतना संसारिक चर्चा सुनते रहते हैं, इतना सुनते रहते हैं दुनिया की राजनीति कथा इधर उधर, ये कान जल गया बिल्कुल। और इसमें कृष्ण कथा चल, एक घंटा की कथा भी भारी पड़ जाता है, अरे महाराज एक घंटा, कितने लोग तो सोने लगते हैं, कितने लोग मन से पुनः बेड पर चले जाते हैं सोने के लिए, एक घंटा की कथा। जहाँ की परीक्षित जी कहते हैं पिबंतन त्वन मुकाम भोजन शिवतम हरि कथा मृतम, हमको भूख प्यास नहीं लगती। अरे महाराज इतना सुंदर भगवत कथा मिल रही है और फिर भी भूख और प्यास नहीं, साध दुख चाह चुमना जब तो दम की बात है, रोटी दाल की तो बात दूर है, जल भी तब तो दम की बात है, भूख प्यास भी मुझे नहीं मिलती। ये कथा सुनते सुनते इसका यही है, देखो हम लोगों के हृदय में प्रिया लाल का दिव्य लीला है, सबके हृदय में नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु न श्रवण आदि शुद्ध चिते पर होता है। सबके हृदय में प्रिया लाल का प्रीति है, बंदर में, पशु पक्षी में, सब में। वो जगे का कैसे, जगने का उपाय क्या है, बार बार रसिक महापुरुषों का संग करना, प्रियालाल के दिव्य लीलाओं की कथा सुनना, संसारिक और कथा न। कोई लोग डरता है, उन्हें काम जगता है, अरे भाई काम का है तो औषधि है,
शांत दास सत्य रास में भले काम, लेकिन इसमें नहीं। रामचरितमानस में लिखा गया है कि काम किसको जगता है, देखिए काम का आधार अहंकार, अहंकारी को काम जगता है। इसलिए भक्त लोग जिस दिन दीक्षा दिया जाता है उसी दिन दे दिया जाता है, तो दास हो गया, नौकर हो गया, अहंकार मत करना, नौकर। यदि मालिक का बहुत गाड़ी चलता हो, बहुत फैक्ट्री हो, तो दास को क्या मिलेगा, तो नौकर है, उसको तो वेतन मिलेगा बस। यही दास करना, यह अस अभिमान जाय मत भोरे, मैं सेवक रहूं पति पति मोरे, बस ऐसा अभिमान करना। अभिमान करना भी है तो यह अभिमान करना, दासी हूँ किशोरी। दास से बहुत ऊंचा भाव है दासी की, क्यों, क्योंकि कोई भी मालिक बहुत खुश हो जाता है तो फैक्ट्री का नौकरी दे देगा, अपने घर की हवेली की नौकरी नहीं देगा। हवेली की नौकरी किसको देगा, अपना विश्वासी व्यक्ति। उसी तरह श्री कृष्ण दास सबको दे देते हैं, गोविंद दास, लेकिन प्रिया जी की दासी किसी को नहीं बनाते। ये भाई, ये तो अपनी हवेली की सेवा है, ये सब लोगों को नहीं मिलता, बहुत ऊंचा सेवा। जिसकी जीभ जल गया है, कान जल गया है, वो क्या भगवान की सेवा करेगा। जिह्वा दग्ध परानेन हस्तौ दग्धा पराग्रहात् और स्त्री भी मन दग्धा, मंत्र सिद्धि कथम भवे। पराये आदमी से, पराये लोगों से धन लेते लेते हाथ जल गए, दूसरों का अन्न खाते खाते जीभ जल गए, और पराई स्त्रियों का चिंतन करते करते मन जल गया, तो मंत्र प्रियालाल का दिव्य लीला चिंतन कैसे हो। इसीलिए पहले इस साधन के द्वारा, बस ये है राग का पथ। राग माने आसक्ति का पथ, आसक्ति को छुड़ाने का आसक्ति है। विषस्य विषम औषधम, विष का दवा क्या है, विष है। मलेरिया बुखार आता है तो क्या देते, कुनाइन, उससे भी कड़ा दवा दिया जाता है। जितने औषधि है तो औषधि क्या है, विष है। किम औषधम क्लेशस्य मूढ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पीव। जितने भी औषधि, ये तो औषधि अमृत नहीं है, विष है, सब औषधि विष है। एक महापुरुष कहते हैं, हे नाथ, हे प्यारे से आप सुंदर, इदम शरीरम सत्संधि जर जरे पतत्यवश्यम परिणाम ते सलम, किमौषधम् क्लिशति मूढ दुर्मते निरामयम् कृष्ण रसायनम् पीव। कृष्ण नाम भी औषधि है, लेकिन ये अमृत है। और जितना औषधि है विष है, विष को मारा विष, लेकिन भवसागर का समस्त रोगों का दवा क्या है, भगवान का नाम। ठाकुर जी का नाम औषधि है, दो काम करता है भगवान का नाम, भवसागर से पार करता है, कृष्ण प्रेम देता है, दो काम, डबल काम करता है, ऐसा औषधि है। अंग्रेजी दवा में तो ऐसा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा है, रोग भी ठीक करेगा, शरीर भी पुष्ट करता है, ऐसी ऐसी दवा है। उसी तरह भगवान का नाम भवसागर के आसक्ति को काटता भी है और कृष्ण प्रेम भी देता है, दो दो काम एक साथ करता है भगवान। इसलिए जब मरा हुआ शरीर है, इसमें कौन औषधि खाकर फिर चला है। किमौषधम क्लेशसि मूढ दुर्मते, अरे मूर्ख, जले हुए को क्यों जला रहे हो औषधि का खाकर। यदि खाना ही है तो निरामयम कृष्ण रसायनम पीवो, जो निरामयम, ये रोग को नष्ट करने वाला जो कृष्ण रसायन है, इसका बार बार पान करो। उसका ये देखिए भक्ति मार्ग क्या है, आसक्ति का मार्ग। श्रीमद् भागवत में भगवान भक्ति का वर्णन करते हैं एकादश स्कंद में, तो कहते हैं कि जो अधिक आसक्त व्यक्ति है और बिल्कुल जो अनासक्त व्यक्ति है, दोनों हमारा भजन नहीं कर सकते। हमारा भजन वह भी नहीं कर सकता है जो पूरा संसार से बैरागी है, वो भजन नहीं कर सकता। आज जो खूब घर में बिल्कुल आसक्त, इतना आसक्त है कि वो कुछ भगवान का नाम नहीं जाए, वो भी नहीं कर सकता।
तो हमारा भजन कौन कर सकता है जो अधिक आसक्त भी नहीं है और अधिक वैरागी भी नहीं, बीच में वही हमारा भजन, क्योंकि एक भजन में आसक्ति सिखलाया जाता है, आसक्ति करने सिखलाया जाता है। कैसे आसक्ति यदि छोड़ना है तो आसक्ति कर। एक महात्मा था, अपने घर में बहुत काम करता था, तो जब साधु बन गया तो आश्रम में बहुत काम करने लगा। तो उसकी पत्नी आई, कही कि ये काम घर पर करता है तो क्या यहाँ क्यों कर रहा है। तो कहा कि घर पर करता है तो बंधन होता है, यहाँ करूंगा तो बंधन से पार हो जाता है। काम वही यदि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करेंगे तो वही कर्म हमें फंसा दे, और वही कर्म यदि हम भगवत प्रीति के लिए करेंगे। झाड़ू लगाना दोनों एक ही है, घर में झाड़ू लगाना और यहाँ, दोनों में अंतर है। घर का झाड़ू लगाना बंधन में फंसाएगा और ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगाना बंधन से मुक्त। काम वही सेम वही। तो ये जो भजन पथ है क्या है, रागी रो भजन पथ, ये राग का भजन पथ। राग माने आसक्ति, ठाकुर जी के नाम में, ठाकुर जी के रूप में, ठाकुर जी के लीला में, भगवान के धाम में आसक्ति करना भी तो भजन। जिसको बहुत बोलने की आदत है तो भक्त लोग ये नहीं कहते कि तू मौनी हो जा, कहते खूब बोलो, हरे कृष्ण बोलो, बुलवाना रुकवाते नहीं। जिसको बहुत काम करने की आदत है तो भक्त नहीं कहता है कि अब तू काम धंधा छोड़ो, खूब काम करो, भगवान भगवत प्रीति के लिए करो। कर्म कही यही अभिमत, लोक वेद सार यही बाणी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की बाणी। लोक वेद का सार राग, तो ये राग करने कैसे सिखलाया ना चाहे। जैसे किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी में आ सकती है या पत्नी को पति में आ सकती है, तो ये खराब चीज नहीं, बहुत अच्छा चीज। ऐसे लोग बड़ा जल्दी भगवान का पा लेते, जैसे बिल्लो मंगल ठाकुर। इस मार्ग में मत कर, बड़ा काम ही है, कोई बात नहीं, कामी को बुलाओ। हमारा भागवत कहता है कहो कामियों को लाने दो, लोभियों को लाओ, ये कोई खराब चीज नहीं, बहुत अच्छा है। उस काम को हम दिव्य काम दें, उस लोभ को हम दिव्य लोभ दें। कामी यदि बहुत भयंकर कोई कामी है तो उसको रास पंचाध्याय देना चाहिए, हायर टेस्ट, उससे संसार का रस है ही नहीं। अब भागवत में सुखदेव जी तो डंके के चोट पर कहते हैं, इस रास लीला का जो पाठ करेगा हृत रोग मात्र पहनो तचिरेण जीर्ण। रास लीला का जो पाठ करेगा, रास लीला दर्शन, उसका काम हमेशा के लिए विलुप्त हो, नष्ट नहीं हो जाए। अचिरेत अचिरेत का बहुत शीघ्र, अन्य साधन से काम नष्ट होवे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रास लीला से निश्चित नष्ट। वैसे लोगों के लिए बिल्लो मंगल ठाकुर जैसे कामियों के लिए क्या है, रास लीला बस। ऐसे कामियों को तो हमारा कन्हैया खोजता रहता है, तुम कामी हो नहीं, आओ यार, है तुम्हारे जैसे कामी को तुम्हें खोजता। भक्तमाल में कथा है कि एक व्यक्ति था, अपनी पत्नी को देखे बिना रह नहीं सकता था। हमारा चलता था तो छाता लगाकर, ऐसे ऐसे ही पत्नी चलती थी तो पीछे से चलता था मुंह देखकर। रामानुजाचार्य देखे तो बड़ा खुश हो, यार अरे ऐसी आसक्ति वाला तो मैं चाहता हूँ, मिल जाए मुझे। तो उसको पूछे कि तू क्यों देखता है, कहता इतना सुंदर रूप मैं कभी छोड़ सकता नहीं, हमारा नेत्र एक सेकेंड भी इनको छोड़ता हूँ तो पागल हो जाता है। तो रामानुजाचार्य की ललच गया, ऐसा मैं कभी हो जाता है, देखो भाई, कहे और ले जाकर कहे कि तुम इससे भी सुंदर रूप देख लेगा तो इसको छोड़ दो। हाँ क्यों नहीं, हम तो रूपा सकते हैं, हमको तो रूप चाहिए। तो जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रभु आप अब आपका समय आया है, ऐसा प्रेमी भक्त मिला है, अपना सौंदर्य को बिखेरी, बस एक बार दिखा दीजिए। तो जाकर श्री रंगम में रंगनाथ जी से प्रार्थना की और एक बार देखा, बस काम हो गया, यही तो चाहिए। डरना मत कि हम कामी हैं, हमारा क्या हो, चिंता मत करो, कामियों के लिए हमारा कन्हैया आया है, केवल कृष्ण आया। उसके गति ललित विलास पर अपने चित्त को लगाओ, ये संसारी काम फीका पड़ जाएगा, अरे वो उधर दृष्टि ही नहीं जाएगी।
ये है विक्रीडितम व्रजवधु विदितम च विष्णु श्रद्धान्वितान सुनिया दत्तवर्णयेच भक्तिं पराम भगवती प्रतिलभ्य काम हृदय रोग मास पहिनो त्यचिरेण दिग्ध अतिचिरेण क्यों लिखा गया कि इसमें देरी नहीं लगती है, बस उस कामी व्यक्ति और रूपासक्त व्यक्ति को टाइम नहीं लगा। हम लोगों का टाइम क्यों नहीं लगा कि हम लोग कामी नहीं, थोड़ा सा कामी नहीं, कामी बनो यार, भयंकर कामी के लिए तो श्री कृष्ण को वैसे लोगों को खोजना, हमारे गौर यही तो इसीलिए तो आया है, पकड़ो उन और पकड़ करके कृष्ण रस दो, बस उसको तो रस चाहिए, आए मधुर रस है यार। जयदेव जी जब गीत गोविंद की रचना किए तो कहे कि अब इस गीत गोविंद के आगे हे कांता धरणी तलम गच्छ, हरे स्त्री और तुम लोगों को पूछेगा, अब काम गया समाप्त, काम का खेल ही न, इसीलिए तो गीत गोविंद की रचना हुई। मधुर रस किस लिए, इसीलिए रचना हुई, क्या करना है तो सखी अनुगा दिया, इन सखियों का अनुग बनना है, अनुग का पीछे पीछे चलना है, जैसे ललिता जी जैसे श्याम सुंदर से प्यार करती हैं, प्रिया जी से प्यार करती हैं, रूप मंजरी प्यार प्रेम करती है, तुलसी मंजरी, उसका अनुग बन जाओ। सखीरा अनुगा है या ब्रज सिद्ध देह पाया एक भावे जुड़ाव पराणी, इस तरह यदि होंगे तो हमारा जो चित्त है, हमारा प्राण है, अनादि काल से जिस रस को खोज रहा है, कुत्ता कुत्त सुअर सांड 84 लाख जोनियों में जिस रस को खोजा, वो रस शांति यही होगा प्रिया लाल के जगह, और दूसरे जगह होगा नहीं, इसी के लिए प्रार्थना किया जाता है। भजन माने यही है, भजन का मतलब और यही है बस। श्री गौरांग महाप्रभु से जब श्री सनातन गोस्वामी मिले तो पूछे कि क्या अभी किने अमार जाने तात्र, पूछते हैं हम लोग, पूछी कभी हम लोग तो पूछते, तुम कौन हो, तू कह देते हैं कि हमारा नाम ये है, हमारा गांव यहाँ है। कहा श्रीपाद शंकराचार्य जी थे 8 वर्ष के छोटे बच्चा, एक सन्यासी पूछा कि तुम कौन हो, तो शंकराचार्य जी कहे कि मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, तो सन्यासी पकड़ लिया, अच्छा जिज्ञासा, हम लोग तो तत्काल अपना उत्तर दे देते हैं, तुम कौन हो तो बता देते हैं, हम ये हैं, हमारे इतने लड़के हैं, हमारी इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, तो अच्छा मरो अब उसी। सनातन गोस्वामी इतने बड़े बुद्धिमान, पूछे आप क्या नहीं, हमको पता नहीं मैं कौन, ये त्रिताप मुझको क्यों जला रहा है, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हमें क्यों जला रहा है, यह नहीं जानी यानी केमन हित है, जब हम जानते ही नहीं तो हमारे हित कैसे होगा, पहले जानना पड़ेगा ना कि मैं कौन हूँ। जब एक किसी लड़की को पकड़ करके कह दिया जाता है तुम्हारा पति है, तो उसकी आसक्ति अपने माँ बाप से छूट जाती है, माँ बाप बुलाता भी है तो कहता है पिताजी टाइम नहीं।